मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज मैं आपको बात करूँगी कि प्रेगनेंसी में आपने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखे होंगे, बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे, लेकिन उन्हीं में से एक चेंजेस है हमारे बेबी बम पर एक सिंपल सी लाइन बन जाना। डार्क कलर की लाइन आपने देखी होगी, ये कब से बनना स्टार्ट होती है, ये क्या बच्चे के लिए ख़तरनाक होती है या फिर हमारे लिए ठीक नहीं है, क्या इसको देखकर हम जेंडर को पता कर सकते हैं कि हमारे गर्भ के अंदर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ठीक है, ये कब से स्टार्ट होती है, क्या प्रेगनेंसी के बाद ये कंटिन्यू वैसे की वैसी बनी रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मुझसे पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सारे ही पॉइंट क्लियर कर दूंगी कि वाकई में क्या हम इस डार्क लाइन से, जो कि एकदम स्ट्रेट हमारी नाभि से ऊपर नाभि से नीचे तक बनी रहती है डार्क कलर की, क्या ये वाकई में हमें ये बता सकती है कि हमारे अंदर जो गर्भ में हमारा बच्चा पल रहा है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे मिथ बने हुए हैं और ये कहा जाता है कि जो ये लाइन है हमें आराम से ये बताने में मदद करती है कि पेट में पल रहा हमारा बच्चा लड़का है या लड़की है। क्या ये वाकई में 100% वर्क करता है, ठीक है, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है? तो डियर देखिए, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे बड़े हमसे बोलते आ रहे हैं कि अरे आपके लड़का होगा लड़की होगा, लेकिन ये 100% तक ठीक नहीं होता। कोई ऐसा साइंटिफिक रीज़न नहीं है जो कि इसको प्रूव कर दे कि वाकई में हम इससे बेबी जेंडर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये लाइन हमारी कब से बनना स्टार्ट होती है। देखिए, जैसे जैसे आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी का इतना टमी बाहर नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही हमारा सेकंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट होता है, दूसरा तिमाही स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा जो बेबी बम बढ़ने लगता है, हमारे पेट के आकार बढ़ने लगता है। तो ऐसे में ये लाइन आपको थोड़ी सी डार्क होती हुई नज़र आएगी, एक जगह सिमटी हुई आप आराम से नोटिस इसको कर सकते हैं। और लास्ट के मंथ यानी लास्ट जो ट्रिमेस्टर है, आते आते लास्ट ट्रिमेस्टर तक ये आपको बहुत ज़्यादा डार्क और काफ़ी ज़्यादा लंबी आपको दिखेगी। हर प्रेग्नेंट लेडी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, किसी किसी की जो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, किसी किसी की थोड़ी सी ये आपको कहीं कहीं टेढ़ी कहीं स्ट्रेट ऐसी नज़र आएगी, किसी की ये नाभि से जो हमारी वैली पॉइंट होता है उससे नीचे तक ही रहती है, और किसी किसी प्रेग्नेंट लेडी की ये वैली बटन से ऊपर यानी आपके चेस्ट तक आ जाती है, ठीक है, तो इतनी लंबी होती है। तो हर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन होती ये ज़रूर है। और आपके जो दूसरा तिमाही है तब से ये आप इसको अच्छे से अपने पेट पर नोटिस कर सकते हैं। इसको साइंस टर्म में हम बोलते हैं लीनियर नाइग्रा, लीनियर नाइग्रा के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वाकई में हम इससे पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई 100% प्रूफ नहीं है कि इसको देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे घर में क्या पल रहा है। बड़े लोग हमसे, जो हमारे बड़े लोग हैं जो कि इन बातों को कहते आ रहे हैं, उनका मानना ये होता है अगर ये लाइन आपकी बेली बटन से बिल्कुल नीचे तक है और नीचे से बिल्कुल ऊपर यानी आपके चेस्ट तक आ रही है, तो आपके घर में बेबी बॉय हो सकता है। तो इस तरीके की बातें मैंने बहुत सुनी हैं, लेकिन मैं इस पर 100% बिलीव नहीं कर सकती। हो सकता है कि कहीं कहीं ये किसी का कहा हुआ सच हो जाए, लेकिन ये 100% प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और इससे कोई ऐसी हेल्प नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रेगनेंसी में हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी में, आप सभी जानते हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मेलानिन नामक जो हार्मोन है, ये एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लाइन है वो थोड़ी सी डार्क दिखाई देती है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये लाइन हमें ये बताए कि हमारे गर्भ में क्या चल रहा है, क्या है, गर्ल है या बॉय है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब हम बात करेंगे कि ये हमारी डिलीवरी के बाद भी बनी रहती है, तो ऑफकोर्स ये एक दो महीने तक आपको वैसी की वैसी डार्क कलर की दिखाई देगी, बट धीरे धीरे करके हमारा जो हमारा पेट है बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और ये लाइन दिखाई देती है, अपने आप ये नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे कि हमारी स्किन पहले थी, वैसे ही स्किन हमारी धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाती है और ये लाइन जो लीनियर नाइग्रा जिसको हम बोलते हैं, अपने आप डिसअपीयर हो जाती है।
इसके लिए आपको कुछ भी स्पेशली ऐसा नहीं करना कि मैं इसे मिटा दूं या फिर किसी प्रकार कोई लोशन यूज़ करूं या कोई मेडिसिन या कोई क्रीम यूज़ करूं ये जिससे ये हट जाए। वाकई में देखने में अच्छी नहीं लगती क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क होती है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा ये नहीं जाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। ये धीरे धीरे ही अपने आप जब हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो लेवल में आने लगती हैं तब ये अपने आप ही डिसअपीयर हो जाती है। इसमें आपको कोई भी कुछ भी इसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इससे कुछ ऐसा पता नहीं चलता, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि प्रेगनेंसी के समय हर प्रेग्नेंट लेडी की ये लाइन होती है, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा लंबी होती है, किसी को शॉर्ट होती है, किसी को एकदम स्ट्रेट होती है, किसी को थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप इसको मिटाने की कोशिश करें, इसको साफ़ करने की कोशिश करें, ये नहीं मिटेगी, अपने आप ही ये डिसअपीयर हो जाएगी आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा पॉइंट आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।